हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फ्लूड मोजेक मॉडल विच इज प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कम्पोज ऑफ ठीक है हमसे पूछ रहा है कि फ्लूड मोजेक मॉडल जो है जो किसने दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था उनके हिसाब से उस मॉडल में उस मॉडल के अकॉर्डिंग बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है इट इज कम्पोज ऑफ तो ऑप्शन ए हमको बोल रहा है सेल्यूलोस हेमी सेल्यूलोस बी है फॉस्फोलिपिड एंड इंटीग्रेटेड प्रोटीन सी है फॉस्फोलिपिड एक्सट्रेंसिक प्रोटीन और इंट्रेंसिक प्रोटीन और डी है फॉस्फोलिपिड एंड हेमी सेल्यूलोस ठीक है तो इसके लिए आपका जो की कॉन्सेप्ट है वो है फ्लोइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये किसने दिया था इट वॉज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन ठीक है तो इसके लिए आपको मैं सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बताती हूं ठीक है तो अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सपोज ये आपका सेल है ठीक है तो इस सेल का हम ये पूरी ये पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है है ना ये ब्लू वाली तो हम इतना सा पार्ट अगर देखते हैं ठीक है इसको अगर हम जूम करके देखें मॉलिकुलर लेवल पे तो ये हमको कुछ ऐसा दिखता है देखो इसमें होती है ऐसे लिपिड की बाय लेयर ये है आपकी फर्स्ट लेयर और ये है आपकी सेकेंड लेयर ये हम क्या बना रहे हैं सेकेंड लेयर ठीक है layer, तो ये जो लेयर्स हैं ये किसकी हैं ये हैं फॉस्फोलिपिड की ठीक है ये, है ये जो लेयर है किसकी हैं फॉस्फोलिपिड की तो ये है फॉस्फोलिपिड की कितनी लेयर है वन एंड टू इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बायलेयर ठीक है फॉस्फोलिपिड की बाय है हमारे पास ये फिर अगर हम आते हैं इसमें और क्या होता है तो इसमें हमारे पास और क्या होते हैं इसमें हमारे पास होते हैं प्रोटीन्स ठीक है और क्या होते हैं प्लस प्रोटीन्स तो अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो देखो प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं एक एक्सट्रेंसिक और एक इंट्रेंसिक ठीक है देखो नाम में ही लिखा है एक्सट्रेंसिक इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक मतलब बाहर इंट्रेंसिक मतलब अंदर ठीक है तो हम अगर इस मॉडल में देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसे आपको बाहर मिलेंगे और आपको कुछ अंदर भी प्रोटीन मिलेंगे कुछ कंप्लीटली एम्बेडेड होंगे कुछ पार्शियली एम्बेडेड होंगे ठीक है तो ये है आपके इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रेंसिक प्रोटीन और ये है आपके बाहर वाले यानी कि एक्सट्रेंसिक प्रोटीन ठीक है तो ये जो है ये है आपका बेसिक वेरी बेसिक स्ट्रक्चर है ना बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है ये किसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन से मॉडल के अकॉर्डिंग फ्लूड मोजेक मॉडल के अकॉर्डिंग तो अब हम अपने ऑप्शन चेक करते हैं ऑप्शन ए में हमको बोल रहा है सेल्यूलोस और हेमी सेल्यूलोस ठीक है तो अगर हम ऑप्शन ए की देखें तो ऑप्शन ए में हमको बोल रहा है सेल्यूलोस ओके सेल्यूलोस एमी सेल्युलस जो होंगे वो हमने देखा अभी स्ट्रक्चर में नहीं थे तो इसीलिए क्या होगा रॉन्ग है ना अगर हम ऑप्शन नंबर बी में आते हैं तो हमारा बी ऑप्शन क्या बोल रहा है बी ऑप्शन हमको बोल रहा है फॉस्फोलिपिड एंड इंटीग्रेटेड प्रोटीन हाँ फॉस्फोलिपिड है लेकिन इसमें सिर्फ बोल रहा है कि इंटीग्रेटेड प्रोटीन है हमारे पास है ना सिर्फ इंटीग्रेटेड प्रोटीन तो सिर्फ इंटीग्रेटेड प्रोटीन तो नहीं है इसमें क्या बोल रहा है सिर्फ इंटीग्रेटेड प्रोटीन सिर्फ इंटीग्रेटेड प्रोटीन नहीं है हमारे पास सिर्फ अंदर वाले नहीं है बाहर वाले भी हैं तो इसीलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो भी रॉन्ग है ओके okay? जो हमारा बी ऑप्शन है वो भी रॉन्ग है फिर अगर हम आते हैं सी ऑप्शन में तो सी ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है सी ऑप्शन हमको बोल रहा है फॉस्फोलिपिड जो कि है एक्सट्रेंसिक प्रोटीन है इंट्रेंसिक प्रोटीन वो भी है डेफिनेटली so yes, जो सी है हमारा वो करेक्ट है ओके okay? जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है डी देखते हैं डी में हमको क्या बोल रहा है डी में हमको बोल रहा है फॉस्फोलिपिड और हेमी सेलुलोस. तो फॉस्फोलिपिड तो है लेकिन हेमी नहीं है तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी जो है हमारा डी वाला वो भी क्या हो जाएगा रॉन्ग तो अगर हम देखें तो हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे लिए क्या है ऑप्शन नंबर सी दैट इज फॉसफोलिपिड भी है हमने डायग्राम में देखा एक्सट्रेंसिक प्रोटीन भी है और इंट्रेंसिक प्रोटीन भी है सो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन नंबर एस आंसर नंबर एस सी ओके होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक